अभी अहम खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां बल्दिया डाउन हब रिवर रोड पर कार और ट्रेलर में तसादुम हुआ। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, बच्चों और खातून समेत चार अफराद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक और जख्मी एक ही खानदान के अफराद हैं। जख्मियों में जाँ बहक शख्स की बीवी और तीन बच्चे शामिल हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन में हब रिवर रोड पर कार और ट्रॉलर में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और बच्चे और खातून समेत तीन अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम कहते हैं कि जाँ बहक शख्स जो है वो 45 साल है और ये पूरी एक फैमिली थी जिसमें इसकी जोजा और बच्चे जो हैं वो जख्मी हुए। जो हादसा हुआ इसके नतीजे में गाड़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, जिसको फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने साइड में कर दिया है। हुकाम कहते हैं कि ट्रॉलर के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है, तहम जो जख्मी है उनकी जान बचाने की कोशिशें जो है वो की जा रही है। जी बिलाल, जिस तरह से आपने बताया कि ट्रेलर का जो ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जख्मियों की हालत कैसी है, अस्पताल जराए क्या बता रहे हैं, किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया उन्हें? देखिए, इब्तदाई तौर पर इन्हें सिविल अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया गया है और इनकी जो हालत है वो इनकी नाजुक बताई जाती है। डॉक्टर जो हैं इन तमाम अफराद की जो जाने हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तहम जो मुर्दा है हुआ है, जो शख्स एक्सपायर हुआ है, उसको फौरी तौर पर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम कहते हैं कि कोशिश की जाएगी कि फौरी तौर पर जान बचाई जाए और उसके बाद इनके बयानात लिए जाएँ, तहम ट्रॉलर ड्राइवर को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका बिलाल नसीर।